तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आप सभी से हमें आज है सबका लाल अक्षय पाल। तो गाइस, जैसे कि हम सभी बैठे हैं, अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी हमारा ऑन द वे एक प्लान बनाया है सुबह का, जो कि हम जा रहे हैं धनौल्टी, वो भी बर्फ देखने। तो भाई, अभी मैं आपको सच बता देता हूँ भाई, जितने भी हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं भाई, किसी ने भी अभी तक बर्फ देखी नहीं है अपनी, मतलब कि फ्रीजर के अलावा एक बर्फ नहीं देखी भाई हमने। कैसी होती है बर्फ, ठा के नहीं देखा भाई उसे, ना मैं फोड़ा किसी के सर पे। तो भाई ये जो व्लॉग है, आगे आपको देखिए कितना मजा आने वाला है, इनके ऊपर कितनी बर्फ गिरने वाली, कितनी फोड़ने फाड़ने वाला हूँ भाई मैं। ठीक है भाई, रात बज रही है, हम निकलेंगे यहाँ से भाई करीब करीब कितने बजे निकलोगे भाई यहाँ से? 9 बजे। 9 बजे तो सुबह निकलेंगे, 4-5 बजे। और कल को तुम्हारा भाई जोगिंदर तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, तुमने सोची ना होगी। सो गाइस, हम आ चुके हैं, जैसे कि हमने बोला था 9 बजे, बट ये भाई यहाँ से 11 बजे निकल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है भाई, सभी मतलब फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं भाई, बोलते हैं भाई आ जाएंगे। भाई देखो, सुबह जो बोल रहा था 4-5 बजे, ये खुद भाई अभी 10 बजे उठाया है बंदा। ठीक है, और भाई फिर अभी देखते हैं, चलो हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से, टोपा टापा पहन के बढ़िया अपना फिट फट होकर भाई, कागज वागज सब ले रखे हमने अपनी बाइक वाइक के। वाहन दिखा देता हूँ हम किस किस पर जा रहे हैं। देखो तो ये है होंडा की एक्टिवा, ये भी न्यू मेंबर बनी है हमारे ग्रुप की। तो भाई इसके ओनर जो है ये रहे, तो इनका नाम जो है आशिक भरी दुनिया। और ये है हमारी, ये भी न्यू मेंबर अभी ऐड हुई है, ये भी पहली बार जा रही है हमारे राइड में। और इनके ओनर जो है वो उधर है, वो थोड़ा अपने यूट्यूब बना रहे हैं, वो भी अपना व्लॉग बना रहे हैं। और ये 5 बजे उठने वाले बंदे 10 बजे उठ रहे हैं। और देखिए गाइज कितना बढ़िया लुक है इसका, और इसके ओनर तो आपको पता होगा, जी हाँ, सबका लाल अक्षय पाल। तो गाइज इसकी MT की पावर देख लेंगे हम वहाँ पर, क्या पावर इसकी, क्या पावर नहीं है, तो मज़ा आने वाला है। तो गाइज इसको काट काट के मत देखिएगा व्लॉग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भरा व्लॉग होने वाला है। और ये मार्क्स दे रही है हमारी माँ, क्योंकि हमारे पास वो, ये देखिए, ये भी हमारे एक ब्लॉगर है, UK 017 राइडर मेरे पास है। 9 बजे बोला था और 11 बज चुके हैं, तो अब निकलते हैं यहाँ से। और भाई निकल के अब सीधा चलते हैं आपको लेके बर्फ में। तो भाई हमारी जो टैंकी है वो हो चुकी है फुल, और हम भाई अभी रुड़की में ही है, रुड़की में पेट्रोल बने, इसकी टैंकी फुल कराइए भाई, आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो भाई, इसकी जो फुल हुई है पावर का हमने डलवाया है भाई, आधा लीटर से कम ही पड़ा था पेट्रोल इसमें, और ये फुल हो गई 9 रुपीज़ में। तो चलो चलते हैं यहाँ से, चले भाई। तो भाई ये रास्ता भूल गया था भाई हमारा, ये जो पीछे वाला भूल गया था। और भाई अब ये हाईवे जो बनाया, इनका कोई फायदा वायदा नहीं है भाई, इन्हें बोलो तोड़ेंगे ना। ठीक है, तो ये बोल रहे हमारे दाग मिची, तो भाई अभी हमें चलना है इधर, ये चले गए थे भाई इधर, उस साइड चले गए थे, उधर से भी रास्ता बट गया भाई, बोल गए हैं लगता है सुनते नहीं। तो भाई चले अब इनसे आगे चलिए भाई तुम, ठीक है? तो चलो चलते हैं अब सीधा जू। भाई एक बात बता दी, अक्षय भाई है, हाँ, क्योंकि हमारे पास किसी के पास पैसे नहीं है, तो अक्षय भाई हमारा सबका खर्च उठा रहे हैं आज, और अक्षय भाई हमें घुमाने जा रहे हैं, और यहाँ पर भी अक्षय भाई पेमेंट करेंगे हम जो खा आ रहे हैं। और ये भाई आ रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पर चौहान रेस्टोरेंट पर रुक चुके हैं, और ये रही हमारी जो बाइक्स हैं यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि 80 किलोमीटर का हम रास्ता तय कर चुके हैं, और अब चलता हूँ मैं तुम्हें अंदर लेकर जा।
तो ये जो राइडर है भाई थोड़ा कमजोर है, हमारा तो सबसे पीछे रह गया। ये भाई बिल्कुल पीछे थे हमारे। और भाई बताइए थोड़ा कुछ। तो कैसा कैसा रहा? हमें तो लग रहा था कि आज अभिषेक नहीं आएंगे, लेकिन क्या है कि ये हमारे क्रिश भाई हैं, तो क्रिश भाई लेकर आए गाड़ी। हाँ भाई, और ये मतलब इनकी स्कूटी भागती तो 70 है, पर ये झूठ बोलते हैं कि हम 90 भगा के लाए हैं, 90 चलती नहीं है इनकी स्कूटी। तो फाइनली गाइस हमने सब खाना वाना खा चुके हैं हम, और सब लोग भाई लोग अपना पेट फुल कर चुके हैं। ये देखो इतना पेट भर चुका है भाई इनका सब। कटरा 30-40 किलोमीटर और जाना भाई आगे, तो चलो चलते हैं। और थोड़े राइडर भी चेंज हो चुके हैं यहाँ पर। राम रेम चलाएगा ये एवेंजर, और मैं तो मैं चला रहा हूँ अपनी, और ये भाई है मेरे पीछे बैठेगा भाई ये, और भाई क्रिस भाई अपने वो चला रहे हैं एक्टिवा, उसके पीछे वो बैठेगा। तो चलो चलते हैं, अब देखते हैं मतलब कि थोड़ा कैसा रहता है कैसा नहीं रहेगा। तो चले भाई। क्या खतरनाक लोकेशन है भाई, मतलब अब तभी और ऊपर जाना है भाई। ये तो बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रही, ऐसे जू 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 ऐसे ऐसे हो रही भाई। और हमारी ये भी कमी है भाई एवेंजर। और भाई कुछ भाई लोग थोड़े मतलब हमारे पीछे हैं, मतलब एक्टिवा उन पे, तो वो पीछे रह गए। अभी और ऊपर चलते, चलो गाइस। और ये मेरे भाइयों को देखो, इसका हेलमेट देखो पहले भाई का, और फिर इसका मुंह देखो भाई साहब, मुंह दिखाओ एक बार, आंखों के पलक पे देखो कैसे जमी पड़ी है बर्फ। देखो ये देखो, ये भाई असली संघर्ष कर रहे हैं, इनको असली ठंड लगी है। कुछ कहना है बताइए भाई, वहाँ भी सर्दी में ठंड में घर मर रहे थे, सच्चा एंजॉय लेते मरे ना। तो भाई का कहना सही हुआ, भाई बोल भाई सही गया, इसकी बात भी सही है, हम वहाँ मर रहे थे, सच्चा ही मर ले भाई साहब, हेलमेट निकाल दो ना भले चाहे मर ले, हेलमेट नहीं निकला मेरे भाई। भाई ये देखो, ये मत करना भाई, मतलब होता है भाई भाई। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा मार्क्स कितना भीग चुका है भाई उसमें ही। अभी मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ, हमारी बाइक का हाल क्या हुआ है, हमने बाइक का हाल दिखा दिया, देख सकते हो भाई, मतलब कि अंदाजा लगा सकते हो हम भीगे हो गए कैसे नहीं भीगे हो गए। देखो ये देखो पानी देखो कितना है यार, मतलब कि ओस इतनी जम चुकी है भाई बाइक पे, और गर्म होने का सवाल ही नहीं है, गर्म होने का मतलब सवाल ही नहीं है। हाथ ऐसा हल्का सा ही लगा दो भाई, कोई गर्म ही नहीं लग रही, ठंडी पड़ी है भाई बाइक पूरी। तो भाई आप यहाँ का नजारा दिखा दूं मैं आपको, नजारा देखे गाइस यहाँ का। और धनोल्टी यहाँ से रह गए सिर्फ 14 किलोमीटर। धनोल्टी 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 यो गाइस। अभी क्या हुआ है, मतलब कि भाई ज्यादा ही हालत खराब हो चुकी है, देखो पूरा गीला हो गया हूँ मैं, देख सकते हो। और भाई यहाँ पर, भाई यहाँ पर थोड़ी चाय भाई है, और मेरे को मतलब कि इसका तो पता नहीं लग रहा यार, केबल पे डाल तो पता नहीं लग रहा आग का। तो भाई हमारी जो बाइक है उधर है, दिख भी नहीं रही, देखो वो खड़ी। और आप कैमरा देख सकते हो कितना हिल रहा है भाई, ठंड लग चुकी है बहुत, मेरा हेलमेट भी नहीं उतर रहा भाई, बहुत ज्यादा ठंड है भाई, बहुत ज्यादा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता भाई आप, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो आपने गलती की है आप मत करना, 2-3 कपड़े जोड़ी अपने इसमें ले लेना भाई बैग में, और ये बैग तो स्टाइल स्टाइल में ले लिया उन्होंने, और आप ना करना गलती, कम्बल वगैरह रजाई वगैरह लेकर चलना भाई, सच में करो एग्जाम्पल, कपड़े ना भाई को दिलाए अभी रास्ते में, ये कह रहे हम तो मर्द है, मर्द को ठंड नहीं लगती, फिर कर रहा चलो। तो भाई फाइनली हमने रूम ले लिया भाई अपना धनोल्टी में। तो भाई जो रूम है आप देख सकते हो भाई कितना बड़ा रूम है, डबल बेड है, किंग साइज बेड है। ये आपको मैं एक बार बाहर का नज़ारा दिखा दूं भाई, ये देखिए भाई आप बाहर का नज़ारा, ये भाई इधर भाई देख सकते हो आप धनोल्टी में, भाई हमने रूम ले लिया अपना, सही है बहुत। और मैं आपको ये देखिए भाई हमारे भाई
लोग, मतलब कि यार इतनी बुरी हालत हो गई है भाई, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई भाई मेरे। आप देखोगे ना, देखो शूज देख सकते हो आप कितने गंदे हो रहे हैं यार। और मैं इतना चमका कर लाया था भाई ने, और भाई जींस देख लो आप कितनी गंदी हो रही है भाई। मतलब भाई हमने गलती करी ना, आप मत करना भाई, एक्स्ट्रा कपड़े रख लेना भाई अपने बैग में। अब हम क्या करते हैं भाई, अब मैं व्लॉग भाई मेरे से अभी थोड़ा नहीं हो रहा क्योंकि मैं ठंड से बहुत कांप रहा हूँ। तो मेरी उंगलियां उंगलियां कुछ मेरा दिमाग में चल रहा भाई, हम चाबी वाबी कहीं भी रख के भूल जा रहे। तो एक काम करते हैं भाई, अब मैं सोच रहा रेस्ट करवाता हूँ भाई फोन को भी और अपनी बॉडी को भी। तो चलिए अब सुबह मिलते हैं आपको। टक तो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और गाइज ये लोग देख रहे हैं टीवी और मैं आपको बाहर का नजारा दिखा देता हूँ एक बार कैसा हो रहा है। अलग ही लेवल के बादल हो रहे हैं भाई, ये तो जो आसमान में होते हैं ना भाई, बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों में आ रखा हूँ उस टाइम में। और हमें भी अभी आगे जाना है, आगे जाकर हमें वो दिख रहा होगा आपको वहाँ पे, देखो उधर ऐसा नहीं दिखेगा बट हम वहाँ पर ही जाकर आपको हम सारा सीन दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं। ऊपर ही ठंडा कितना हो यार, यहाँ पे मेरा हाथ लग गया वैसे ही ठिठर गया यार। और मेरी बाइक में आपको दिखा देता हूँ, बाइक अगर दिखेगी तो नहीं दिख रही यार, इसके पीछे है मेरी बाइक। उधर पार्किंग का जहाँ वो गाड़ी है उधर पार्किंग है, मेरी पार्क वहाँ रखी है। तो गाइस अगर आप स्टे करोगे ना तो आप देख लो भाई, पहले यहाँ पर होटल मिलन वगैरह और ये इसका नाम जहाँ हम रुके हैं इसका नाम है होटल आशीर्वाद। तो भाई बहुत सही है मतलब रूम भाई, अगर दो हो बंदे दो के लिए भी है और आप छः या आठ बंदे हो तब भी आपके लिए हॉल है, बढ़िया रूम है इसमें। दो डबल बेड किंग साइज बेड है भाई, आप आराम से रह सकते हो। दिखा देता हूँ अंदर का मतलब कि कैसा है रूम कैसा नहीं है। तो भाई आप देख सकते हो भाई, मतलब कि हम छः बंदे हैं और छः बंदों के देखो आराम से बंदे आ रहे हैं, तीन बंदे आराम से आ रहे हैं। तो भाई आप आ सकते हो स्टे कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कि आपको ज़्यादा वो पड़ेगा मतलब बारी बारी ओ उसमें शायद कोई है तो मैं आपको ये भी दिखा देता कि भाई यहाँ की सफाई दिखा देता हूँ। भाई सफाई बढ़िया है, मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई होटल वोटल है तो भाई ऐसी तैसी कर रखी, बढ़िया है। तो वो भी हम आगे जाएंगे, पहले भाई अपनी हमने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर आने वाला है। तो गाइस अभी जैसे कि हमारा नाश्ता आ चुका है, ये भाई लोग देख सकते हो आप, मतलब कि कोई से ना मतलब किसी भाई ने अभी तक इसने लिए भाई तो अपने मुँह हाथ धोया है, पर ये भाई लोग अभी तक ने हाथ पैर मुँह धोए कुछ नहीं धोया। और नाश्ता आते ही देखो मतलब कैसे बैठ गए भाई यहाँ पर। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने नाश्ते में अपने लिए यहाँ पर आलू के पराठे मंगाए हैं और चाय। और ये भाई को देख सकते हो आप, मतलब बिना मुँह धोए बिना हाथ धोए कैसे आ गई है। तो भाई सभी हम ऊपर से रूम में से आ गए अपने बाइक वाइक उठाने। तुम बाइक का हाल देख सकते हो भाई क्या हो रहा है भाई, एक बार नज़र करिए बाइक पर। है यार पहली बार इतनी भंडी है भाई, ये देख तो लो इसका लुक, देखते हैं स्टार्ट भी होती नहीं, एमटी लग रही है तो चलो देख लेते स्टार्ट होगी या नहीं। देखिए भाई आप दी, तो भाई वो हमारी अवेंजर तो स्टार्ट हो गई थोड़ी मशक्कत करने के बाद, हम इसका देखते हैं। नहीं भाई साहब, तो भाई हमारे सेकंड साल में स्टार्ट हो गई और धुआं दे रही है, आप देख सकते हो बाइक धुआं देने लगी क्योंकि यार रात भर बाहर खड़ी रही बाइक, ठंडी तो हो जाती है यार। तो गाइस चलो यार चलते हैं वहां पर और आपसे मिलते हैं वहीं पर। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं लोकेशन पर। अच्छा तो गाइस फाइनली मतलब ये हमें बर्फ मिल चुकी है और आप देख सकते हो भाई ये बर्फ इतनी प्यारी है भाई। और भाई मैं तो क्या बोलूँ तुम्हें, बस उठ तो नहीं हड़का, देखो भाई मेरा प्यार। तो आई होप गाइस आपको इस व्लॉग में मजा आया होगा। तो
अब इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है और मेरा रील बनाने का टाइम आ गया है, तो भाई मैं रील बना लूँ और आप देख लो भाई एक बार नज़ारा, देख सकते हो कितना अच्छा सूट आ रहा है। तो यार क्या नज़ारा, चलो चलते हैं गाइस यहाँ से। तो गाइस ये आई होप आपको ये व्लॉग में मज़ा आया होगा। तो गाइस चलते हैं अब और व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा सी यू, बाय।